राम दूत अतुलित बलधामा अंजनि भूत पवन सुत धामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा काजल कुंडल कुंचित विद्यावान गुणि पिताचर राम काज करिवे हो आतुर रघु चरित्र सुनिवे कौन सिया राम लखन सीता भगवतिया सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा भीम रूप धर असुर सहारे राम चंद्र जी के काज सुनावे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सुर लगाए रघुपति की दी बहुत बढ़ाई तुम अपने अवर नहीं संभाए सह सह जन तुम रोज सिखाए सिखाए श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद तम कुबेर जिगपाल जहां ते कवि गोविंद कह सके कहते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र योजन पर भानो लील्यो ताहि मधुर पल जानो रघुपति का मेल कमाई जल दिलाग वैरत लग नाही दुर्गम कार्य जगत के जेते दुर्गमार अनुग्रह सुमने देते राम द्वारे तुम रखवारे हो तला क्या पित कै सारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरता पापन तेज समारो आपे तीनों लोक भाग ते कापे भूत दिशा जन और ये सारा संकीर्तन
इनका जन्मदिन आज, मैं तो यही कहूंगा संकीर्तन है, इनका जन्मदिन आज आप लाइव भी देख सकते हैं, पंकज कुमार पेज से लाइव देख सकते हैं, इनके जितने भी फैन है सबको भेज दो, फिर वो भी ऐसे संकीर्तन करवाए, बहुत बहुत बधाई, मेरे पास आ जाइए। बोले शिवा के हरे लाल मुझे वृंदावन बुलाया, अब ये भी वृंदावन नहीं है ना, और जिस घर में संकीर्तन हो घर वृंदावन नहीं है, तो आज इतना ना कहियो कि ऐसे वृंदावन नहीं गए, इतना कहियो कि वृंदावन आए हैं, आओ बड़े भाव से एक बार तो नहा दुड़ा के बोले भांग के बिहारी लाल की हो, मुझे वृंदावन बोला ये कृपा नहीं तो क्या
सौभाग्य में ये कहूंगा कि कैसा एक नक्षत्र होगा जिसमें आपके पुत्र का जन्म होगा। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप जन्मदिन मनाइए, लेकिन जो सामाजिक तौर पर करते हैं वो भी करें, मैं मना नहीं करूं, लेकिन थोड़ा सा इस और भी अपने बच्चों को लाइए। जरूरी नहीं आप संकीर्तन ही करो या ये करो, लेकिन उस दिन एक विशेष दिन होता है, उस दिन कुछ ऐसा करिए जो उस बच्चे को भी अलग लगे। मैं आज आपको ये नहीं कहूंगा कि केक मत काटो, ये मत करो, मैं कहता हूं सब कुछ करो, समाज के साथ भी चलना जरूरी है। बच्चों के दोस्त आएंगे वो भी ये ना सोचे कि केक नहीं कटे हमने, वो भी कर, लेकिन वो ही उन्हें जिनके ये भी देखे कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो ये चस्का ही है ठाकुर जी का, जो लग गया ना एक बार जिसको, फिर वो पीछे नहीं। इसलिए मेरे साथ मिलकर जरा बोलो, ऐसा लगाया चस्का अपने ही प्रेम रस, ऐसा लगाया चस्का अपने ही प्रेम रस का, पागल मुझे Hare Hare।
संसार के लोगों से आशा न किया करना, बोलो संसार के लोगों से आशा न किया करना। देखो संसार के लोग जो है ना, उनसे क्या आशा करें, आशा करनी है तो ठाकुर जी से करें ना। इसलिए जो भी आशा होगी इनसे करो, ये कभी निराश नहीं भेजेंगे। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना, हरे कृष्ण जपा करे। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि को बजते हैं हरि आप बचाते हैं, जो हरि को बचाते हैं, हरि आप बचाते हैं, हरि आप बचाते हैं। ओ तोड़े आएंगे बस याद किया करना, ओ तोड़े आएंगे बस याद किया करना। और एक बार दोनों हाथ रखे जाते, जब कोई ना हो अपना, हरे कृष्ण जपा कर। कृष्ण
में जो हम अपना अपना समझ कर बैठे ये सब यही रहे। कलयुग केवल नाम या धारा सुमेर सुमेर नर उतरे पार, पार वही जाएगा जो इनका नाम बजे। ये जीवन में एकत्रित जो हम कर रहे हैं ये अपना नहीं है। कई आए चले गए और कई जाने का तैयार बैठे हैं, और हम भी उसी लाइन में बैठे हैं। अब पता नहीं भाई गुलाबा कब आएगा, लेकिन जीवन में हमें एक छोटी सी यात्रा करनी होती है तो दो दिन पहले तैयारी कर देते हैं। तो ये जीवन की यात्रा बहुत लंबी है, इसके लिए तो सोचो कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ 24 घंटे में 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन, उसमें भी हम व्यर्थ के कार्यों में लगे रहते हैं, भगवान के लिए समय ही नहीं। अब जैसे जैसे संकीर्तन बिल्कुल अग्रता की ओर होगा ना, वैसे वैसे भर जाएगा पंडाल। लेकिन क्योंकि लोग तो पहले ही कहते कि जहर खाने का भी टाइम है, संकीर्तन का टाइम तो कहां होगा, पर कहते जहर खाने का भी टाइम है। लेकिन आज यहाँ संकीर्तन में ये मत सोचना कि जो भी यहाँ आएगा सारा पुण्य जिसका जन्मदिन है उसी को जाएगा। अरे जो आप भजन करेंगे वो आप ही को पुण्य मिलेगा, इसका तो सौभाग्य अच्छा ही है जो घर में संकीर्तन हो रहा है। तो एक बार पुनः मेरी सबसे निवेदन है कि सब अंदर आ जाएं, चाय पान करके अंदर आ जाएं, आके संकीर्तन का आनंद लें। पर ऐसे ही हम आनंद लेते लेते इस जन्मदिन को मनाएंगे इनके। आइए तो मेरे साथ मिलकर बोलना है, क्योंकि अपना कुछ नहीं है, सब ठिकाना है, सब यही रह जाएगा, साथ नाम ही जाएगा। अब मेरे साथ मिलकर क्या बोलना है, मत भूल मेरे भैया ये देश बेगाना है, मत भूल मेरे भैया ये देश बेगाना है, इस जग में दिन रात बचा करना माया के चक्कर से, दिन रात बचा करना जब कोई ना हो अपना, हरे कृष्ण जपा करना जब कोई ना हो अपना, हरे कृष्ण जपा करना हरे राम 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 हरे 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 राम।
मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद हम इस जन्म को पाते हैं। इसलिए इसी जन्म में बना लो जो बनानी है, बाद में नहीं बनेगी। अब ना बनी तो फिर ना बने, अब ना बनी तो फिर ना बने, अब ना बनी तो फिर ना बने, अब ना बनी तो फिर ना बने।
80 से 100 किलो होंगे महाराज,
आज मेरे ही जैसे हो गए। सच में बड़ा कमाल है, क्योंकि गलत रास्ते पर तो सब लेकर जाएंगे, अच्छे रास्ते पर कोई कोई लेकर जाएगा, पर जो अच्छे रास्ते पर ले जाएगा वो हमें बुरे लगे, पर हम बुरे बनते रहे, पर हम अच्छा काम करना नहीं छोड़ेंगे। आइए मिलकर जरा एक बार हाथ उठाए जरा। गुरुदेव गुरुदेव होती है तो होता क्या है, ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, और कौन कौन चाहेगा जो ठाकुर जी के दर्शन करेगा, जरा हाथ उठा। ठाकुर जी को आज घर बुलाना है, बोलो कौन कौन बुलाना चाहेगा, जरा कौन हाथ उठा के बोले बांके बिहारी लाल की। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता जखम जागे कहीं पुराने,
अब मैं चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से, तू ही मिल जा किसी बहाने से, तू ही मिल जा किसी बहाने से, तू ही मिल जा किसी बहाने से। ओ सोनिया भी तेरे बाजू लगता नहीं जीवे, सोनिया भी तेरे बाजू लगता नहीं जीवे, ओ सोनिया भी तेरे बाजू लगता नहीं जीवे, सोनिया भी तेरे बाजू लगता नहीं जीवे। अब यही लाइन सारे मिलकर बोलो जरा, ओ सोनिया भी तेरे बाजू लगता नहीं जीवे, ओ सोनिया भी तेरे बाजू लगता नहीं जीवे, सोने अबे तेरे बाजू लगता नहीं जीवे, वो जिथे जाके करो
सुबह उधर गए। बोलो ऐसा नशा चाहिए कि भक्ति का नशा चाहिए जो कभी उतरे ना? बोलो कौन सा चाहिए? ऐसा नशा चढ़ जाए ठाकुर नाम का कि जो कभी ये ना पूछो के क्या हो गया। बोलो ये ना पूछो के क्या हो गया, और ये ना पूछो के क्या हो गया, ये ना पूछो के क्या हो गया। तुमको देखा नशा हो गया, तुमको देखा नशा हो गया, तुमको देखा नशा हो गया, नजर जो हुई आपकी एक नजर जो हुई। धवन जी ठाकुर जी से कहने कि जब आपकी नजर हुई आपकी एक नजर जो हुई, आपकी एक नजर जो हुई तो हुआ क्या? एक खोटा सिक्का भरा हो गया, खोटा सिक्का भरा हो गया, सब खताएं मेरी ही सही, सब खताएं मेरी ही सही। जहाँ मैं फना हो गया, तो स्टोर ला तो ही मुड़ जाना। बोलो अंदर ले आने कि नहीं? तो बोलो फिर जरा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो
होगा जी। एक कस्बा था, जैसे हमारा बहादुरपुर है, वहां एक आदमी शाहूकार, अच्छा शाहूकार, अच्छा बिजनेसमैन, कभी संकीर्तन में नहीं जाता। अब देखो हितेश जी, बार बार दिन आए, मेरा कीर्तन इतना ही लगता है। आशीर्वाद देंगे कि आप ऐसे भगवान के चरणों के साथ प्रेम करते रहें। सबसे बड़ी बात, जो बच्चा माता पिता की बात ही मान ले ना, फिर वहां कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। सुबह से ये लड़का हम बुला रहे हैं तो बैठ रहा है, नहीं तो कम ही बैठ रहा है, यंगेस्ट बड़े कम बैठते हैं। कोई बोल दे ना कि आज कीर्तन कर लो, ये तो आधा काम नहीं है, साधा काम नहीं है, साधा तय माना। अब जाने का कोई पता है भाई, इसलिए तैयारी करके रखा था। तो शाहूकार संकीर्तन में कम जाता था। एक दिन धर्म पत्नी, देखो पत्नी धर्म पत्नी है, क्या है, धर्म पत्नी कह दिया, पति नहीं हुआ धर्म, पति सिर्फ देवता हुआ कुमरा जी, देवता। वो देखो देवता बिठा दिए ना, अब ये नहीं हिलेंगे, टिक्का लगाओ चाहे खिलाओ जो मर्जी करो, ये देवता हो गया। तो पति क्या है और धर्म क्या है, पत्नी, धर्म पत्नी हो गई। तो धर्म पत्नी ने कहा कि महाराज आज संडे है, छुट्टी है, बगल में कथा हो रही है, जाओ। तो उसने भी सोचा छुट्टी है, ये बोलती रहेगी घर पे, जाया था। अब कथा प्रारंभ होने में अभी 5-7 मिनट बाकी थे कि इतने में शाहूकार जी कथा में चले गए। जैसे कथा में गए, अब सबने देखा कि वाह जी शाहूकार जी आए आज, तो अब कोई अच्छा पर्सन आए तो सब करते ना, आइए आइए आइए। तो सबके मुंह से निकला, क्या निकला, आइए, क्या निकला, आइए, पहला शब्द आइए और दूसरा बैठिए, दूसरा अब बैठे कहां, ऐसे पिलर से लगे थे, किसी पिलर के साथ कहीं बैठ गए और पीठ सटा ली ऐसे। कथा शुरू हो गई महाराज, अब शाहूकार जी ने एक शब्द सुना आइए और दूसरा, इतने में नींद आ गई। अब नींद घर पे बिल्कुल नहीं आती, पर संकीर्तन में सिर पे ही बैठे रहे, कथा सुनने जाओ तो सब नींद में ही बैठे रहे। तो महाराज कथा हो गई, प्रसाद बंट गया, आरती हो गई, शाहूकार जी सोए, पूरा पंडाल खाली हो गया, पंडाल में दो ही आदमी रह गए, एक शाहूकार जी और एक वो बेचारा जिसका गद्दा बिछा, वो भी सोचे कि उठेगा तो बिछाऊंगा, ये गद्दा उठाऊंगा, रखूंगा तो जाऊंगा। तो इधर में शाहूकार जी उठ गए और भाई टेंट वाले ने बोला जाइए, क्या बोला, अब तीन शब्द सुने, पहला क्या था, दूसरा और तीसरा, घर गए। पत्नी ने कहा हाँ जी महाराज कैसी रही कथा, क्या बात है पूरी कथा सुन के आए, बोला हाँ बड़ा आनंद आया, तो क्या सुना कथा में, बोला आइए बैठिए और। पत्नी समझ गई कि महाराज जी जाकर सो गए। चल, पत्नी तो धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी है भाई,
पत्नी ने देखो क्या किया, ध्यान देना ये बड़ी गूढ़ बात है। धर्म पत्नी ने क्या किया, बोला महाराज यही कथा से आपको मंत्र मिला है। क्या मिला है और मंत्र क्या है? आइए बैठिए और जपो। बोला इसका पति लगा जपने, आइए बैठिए जाइए। अब रात हो गई, सोने लगे, लाइटें बंद हो गई। अब जो आदमी 4 घंटे दिन को सोया हो रात को नींद आएगी, वो कभी इधर मुड़े कभी इधर मुड़े। पत्नी ने बोला महाराज मंत्र जप लो पर यहाँ मत जपना, यहाँ मुझे सोने दो, वो जाओ आगे जाके कहीं बैठ जाओ। वो भी ड्राइंग रूम में जाके कुर्सी लगा के जपने लगा। मंत्र क्या था? आइए बैठिए। और रात को 2 बज गए महाराज, 2 बजे लाइटें बंद थी। इतने में क्या हुआ, एक चोर घर में घुस आया। जैसे ही चोर ने अंदर पांव रखा खिड़की के अंदर, तो मंत्र क्या था, साहूकार के मुंह से निकला आइए। चोर वहीं रुक गया कि पकड़ा गया। चोर वैसे ही पांव पीछे करने लगा। दूसरा क्या था, बोला पहचान भी लिया इसने, अब सुबह नहीं छोड़ेगा ये। अभी वो मुड़ने लगा कि इतने में क्या कह दिया, जाइए। चोर गया नहीं, वापस आ गया, बोला महाराज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तू है कौन? अरे सब आपको पता है, आप क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हैं, सब पता है आपको, आपने पहचान लिया है, लाइट जला लो। लाइट जगाई तो बोला मैं तो चोरी करने आया। इतने में धर्म पत्नी आ गई, बोला ये कौन है, कौन है? बोला ये चोरी करने आए। शाहूकार ने सोचा मंत्र तो मेरा सिद्ध हो गया आज, मंत्र। लेकिन वहां देखना पत्नी ने क्या कहा कि बोला आप उस सच्ची कथा में गए और उस सच्ची कथा में जाकर आपने जीवन में 3 झूठे शब्द सीख लिए। झूठे ही शब्द थे वो, कथा के थोड़ी थे। पर उस सच्ची कथा में जाकर आपने 3 झूठे शब्द सीख लिए, उन 3 शब्दों से आज आपके घर में चोरी होने से बच गई। तो सोचो उस कथा में जाकर आप 3 सच्चे शब्द सुन लेते तो आपका जीवन सफल हो जाता, भव से पार हो जाता। उस दिन से शाहूकार इतना भक्त हो गया, इतना भक्त हो गया कि जैसे आप आज इस पंडाल में बैठे हैं, वो भी हर कीर्तन में जाने का। ये प्रभु कब किस पर कैसे कृपा कर दे ये किसी को कोई, इसलिए लगे रहो। वो बोलते ना लगे रहो इंडिया, बस लगे रहो, लगे रहो। जब भी संकीर्तनों संकीर्तन में अवश्य जाओ, खुद भी जाओ, अपने बच्चों को लेकर जाओ। तो आइए हम भी आए हैं तो एक बार जरा उठाओ हाथ। लगने तुमसे लगा बैठे, बोलो जरा लगने तुमसे लगा। मेरी बात आई बोलेगी और तो बोलो, बोलो जरा देखा।
याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, कि चुप चुप याद करते थे, कि चुप चुप याद करते थे, कि चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा जिसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही इस कार्य में लगे रहे। आइए एक बार दोनों हाथ उठाएं। छाप तिलक सब सुहा के रे बोते नैना मिलई के, छाप तिलक सब
जन्मदिन उनका है, वो बाहर बैठे हैं, आ जाओ जरा हमारे पास है। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram आज के आनंद की बस वो आनंद बरसने वाला है। जिनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, मेरी उम्र के हैं पर मैं बड़ा हूं इनसे हाथ उठा कर कह दो सारे। ऐसे नहीं, जो बैठे हैं ये भी उठे जरा, ये जो बैठे हैं जरा कुर्सी वाले भी जरा, ये तो हड्डी है कुर्सी ना ले जाइयो तुसी बस बस। हाथ उठा कर कह दो सारे, हम तेरे सरकार हमारे Oh,
तेरी मौज रुके जदों दा तेरा लड़फड़िया Thank you.
मंडला